अनारकली जो था पूरे बड़े शरीर में पहला मॉडल वाला। आओ चले एक ऐसे देश में जहाँ हो सदाए अनसुने गीतों की, जहाँ नदियाँ दरिया झरने शोर मचाए, जहाँ एक मुसाफिर नगरी नगरी दिल का हाल सुनाए। कारवांसराए 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 कारवांसराए। कारवांसराय सफर से थके हारों के लिए कारवांसराय किस राहत का नाम है ये मुसाफिर ही जानते हैं। कारवांसराय में मुसाफिर के लिए हर चीज अजनबी होती है जो उसे हैरत में डालती है। कारवांसराय में बैठा जहां दीदा दास्तां को जब दास्तां शुरू करता है तो वक्त जैसे थम जाता है। शख्स अपने हिसाब से अपनी जो तमन्नाएं अधूरी हैं उनको ख्वाब में देखता है और ट्रेन में देखता है, किस तरह कि शायद ये ट्रेन उस स्टेशन पे जा रुकेगी जहाँ पे आज से 50 साल पहले मैंने एक खूबसूरत लड़की को देखा और उसने मुड़ के मुझे देखा था और मैं उसके इश्क में आर्जी तौर पे मुब्तला हुआ था और फिर उसके बाद कभी वो लड़की नज़र नहीं आई। हो सकता है ये ट्रेन उसी स्टेशन पर रुके, हो सकता है वो लड़की अभी तक वहाँ खड़ी। तार साहब अपनी दास्तां गोई की इस सिफ्त के बारे में कहते हैं, दास्तां गोई मुझे माँ और बड़ी खाला से मिली, दोनों ने लिखने और बोलने का इसमें आजम अता किया। दास्तां गोई ताल से ताल मिलाने का फन है। सुनने वाला किस्सा गो के शहर से बाहर नहीं निकल सकता। जो लोग ये कहते हैं कि मैं अपने कारी को अपनी मर्जी का मंजर दिखाता और मनवाता हूं, तो मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। हाँ ये है कि दास्तां को सुनते या पढ़ते हुए आप कहीं दरमियान से छोड़कर आगे नहीं जा सकते। उसी तरह मैं भी जुजियात को छोड़ने का कायल नहीं, शायद इसलिए मेरा कारी एक दायरे में बंधा रहता है। वो किताब का कोई वर्क छोड़कर आगे जाने की जल्दी में नहीं होता। इसमें मेरी खानाबदोशी का अमल दखल है, आवारगी मुझे मुनफरिद करती है। साहब छेड़ते थे मंटो को, ओए तू की गंदी गंदी कहानियाँ लिखना है, की कहानियाँ लिखना है, वो इस तरह बोलते। तो एक रोज़ तू पढ़िया मेरा शाहनामा, तो एक रोज़ मंटो ने कहा, और मंटो आपको जानते हैं, मंटो ही था ना, कहने का हफीज मैंने वो शाहनामा पढ़ा है, उसमें एक शेर ऐसा आया है कि भाई उसमें जो फलसफियाना गहराई है मैं तो उस तक नहीं पहुँच सका। भाई क्या बात है, कोई अजीब आसमानी चीज़ है, तो मैं कुछ बताओगे उसका मतलब। हफीज साहब तैयार हो गए ना, बड़ा सीरियस मूड, कहने लगा केड़ा शेर है। मंटो साहब कहने लगे, ये लड़का जो के बैठा है, ये लड़की जो के बैठी है, ये पैगंबर का बेटा है, ये पैगंबर की बेटी है। कहने लगा बड़ा मुश्किल शेर। उसके बाद जो हफीज साहब ने कहा वो मैं यहाँ पे बयान नहीं कर सकता। कारवांसराय एक्सप्रेस न्यूज की एक काविश है, मायूसी में मुब्तला कौम को इस इब्तला से निकालने की एक काविश है। आगे बढ़ने का सफर ग्रेबा में झांके बगैर मुमकिन नहीं। कारवांसराय में अपनी कजियों कमियों खामियों पर बात होगी, इसके साथ इन अजीम लोगों पर भी बातें प्रोग्राम का हिस्सा हैं जिन्होंने पाकिस्तानी कौम को एक मुनफरिद और मसबत शनाख्त दी। हमारे यहाँ मौर्रखीन के छोड़े खला को किसी हद तक अदीब नहीं पूरा किया है। मुस्तनसर हुसैन तारड़ की उम्र पाकिस्तान की उम्र से कुछ बढ़कर है, तो उन्होंने सब बिगड़ना सवरना अपनी आंखों से देख रखा है। तो
एक्सप्रेस टेलीविजन ये जो कारवां सराय के नाम से दास्तान गोई का एक सिलसिला शुरू करने वाला है मुसलसल सैन तारड़ साहब के साथ, गोया टेलीविजन के व्यूअर्स के लिए एक बड़े ज़र खुल गया। अब देखेंगे जमाने कदमों में सिमट आएंगे, हैरत कदा खुल जाएगा टीवी व्यूअर्स के लिए, जो कि अब तक उन्हें तश्ना थे वो, उन्हें कहानी भी नहीं मिल रही थी, दास्तान नहीं मिल रही थी, किस्से कहानियाँ चिन्ह प्रेम देवमालाई कहानियाँ उपसराओं की कहानियाँ ठेले वालों की कहानियाँ। तारण साहब से ज़्यादा अच्छी कहानी कौन सुना सकता है, कौन कह सकता है। खसो खाशाक जमानों की कहानियाँ सुनाई हैं उन्होंने, बहाव राग नस्लों की कहानियाँ, लाहौर में आवारगी की कहानियाँ, दुनिया में आवारगी, एक जहाँ गर्द से ज़्यादा अच्छी कहानी कौन सुना सकता है, और वो भी जहाँ गर्द मुस्तनसर हुसैन तारण साहब जैसा, जिसने एक एक पत्थर को, एक एक पत्ते को, एक एक परिंदे को, एक एक किरदार को खंगाला हुआ है और बयान किया हुआ है अपने किस्से कहानियों में, आप दास्तान गोई की एक नई तारीख रकम होते देखेंगे। अब मैं समझता हूँ कि मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब का टीवी व्यूअर पे, सोशल मीडिया व्यूअर पे ये एक एहसान है कि वो किस्से कहानियाँ सुनाने आ रहे हैं, दास्तान सुनाने आ रहे हैं, उनसे अच्छी दास्तान कोई नहीं सुना सकता। वो दिल फरेब कहानियाँ सुनाएंगे और आपको ऐसे ऐसे मनाजर में घुमाते चले जाएंगे कि आपकी आँखें खीरा हो जाएं, वो एक नई दुनियाएँ आविष्कार करेंगे आपके साथ। मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब एक जगह लिखते हैं कि अगर मैं नहीं हूंगा तो मुंडेर का खेल कौन देखेगा। तारड़ साहब न सिर्फ मुंडेर का ये खेल देखते नजर आते हैं बल्कि जुजियात के साथ इसको बयान भी करते नजर आते हैं, और इस खेल को मजीद वो एक्सप्लेन करेंगे बल्कि अपनी जबान से बताएंगे अपने नए आने वाले प्रोग्राम कारवान सराय में, जो कि आ रहा है एक्सप्रेस न्यूज के ऊपर। ये महज एक प्रोग्राम नहीं है, ये उनकी जिंदगी की कहानी है, और मैं इसको ऐसे लेता हूं कि कुछ ऐसी अनकही बातें हैं और आपके लिए अनसुनी बातें हैं जो शायद बहुत से सुनने वाले सुनना चाहते हैं और तारड़ साहब कहना चाहते हैं। तारड़ साहब की जिंदगी और सेहत के लिए मेरी तरफ से ढेर सारी दुआएं हैं, मेरे लिए तो एक इंस्टीट्यूशन का दर्जा रखते हैं, एंड आई ऑलवेज फॉलो हिम, आई ऑलवेज एडमायर हिम बीइंग द बाबा ए मॉर्निंग शो। तो मुझे उम्मीद है कि ये शो भी उनकी पूरी जिंदगी की दीगर काविशों की तरह एक बेहतरीन काविश होगा और आपको बहुत पसंद आएगा। बन रही है लेकिन उस तर्ज में नहीं बन रही जो क्लासिकल। दरअसल उस्ताद बशीर का ये बहुत बड़ा कारनामा है हमारे लिए कि उन्होंने एक डाइंग आर्ट को एनसीए में रह के जिंदा किया और उसका करिकुलम बना के दिया, इसमें कोई शक नहीं। यूं महसूस होता है कि हमारा कोई भी प्रोग्राम गुलजार साहब के तज़किरे के बगैर अधूरा सा रहता है। वो आते हैं तो हमारे इस कारवां सराय में भी बहार आ जाती है, सब कुछ गुल गुलजार हो जाता है। तो मेरे मुशाहदे के मुताबिक ट्रेन का सबसे मौसर गीत जो है वो गुलजार साहब ने लिखा और ए आर रहमान ने उसकी म्यूज़िक तरतीब दी। अल्लाह रखा रहमान, आप जानते ही उनको। मेरे पास और कुछ नहीं है लेकिन मेरे पास 83 बरस हैं और उन 83 बरसों में बहुत कुछ हुआ कि हम कैसे भूल सकते हैं। हम भूले भी, कब भूले, 1952 पाकिस्तान बने हुए अभी सिर्फ 5 बरस हुए तो हॉकी के मैचेस हुए जलंधर अमृतसर और लाहौर में। वैसे तो हमें मीडिया से हमेशा यह शिकवा शिकायत रहता है कि हम ऐसा कंटेंट देखते हैं जो हर वक्त जिसमें तनकीद हो रही होती है, सियासतदान एक दूसरे पे चीखों पुकार कर रहे होते हैं, लेकिन हमने ये गिला खत्म करने का सोचा, खास तौर पर एक्सप्रेस न्यूज ने, और कारवां सराय के नाम से एक प्रोग्राम स्टार्ट होने जा रहा है संडे को शाम 7 बजे, और इस प्रोग्राम में हमें हमारे लेजेंड, लिविंग लेजेंड मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब को सुनने का मौका मिलेगा, उनके तजुर्बात से बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। नई जनरेशन जिन्होंने उनको पढ़ा नहीं है, उनको सुना नहीं है, उनके लिए इतनी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है मुझ समेत कि हम उनकी बातें सुनेंगे, उनके तजुर्बात सुनेंगे, और जो जो बातें ना आपने उनकी किताबों में पढ़ी है ना कहीं और सुनी है, वो सब इस प्रोग्राम के अंदर हमें बताने वाले हैं। और चूंकि उनकी तबीयत नासाजगार थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, इज डूइंग वेल माशाल्लाह नाउ,
उनके लिए बहुत सारी दुआओं के साथ, इन नेक तमन्नाओं के साथ उनके प्रोग्राम के लिए हम बहुत ज्यादा दुआ करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छा शो होगा और आपने इसको बिल्कुल मिस नहीं करना और जरूर देखना है कारवां सराय। जहाँ एक मुसाफिर नगरे नगरे दिल का हाल सुनाए, कारवां सराय, कारवां सराय, कारवां सराय, कारवां सराय। कारवां सराय का एक मौजू पाकिस्तान है जबकि दूसरा ये दुनिया है। इस कारवां सराय में हमारी खुशकिस्मती ये है कि हमारा दास्तान गो एक सयाह है, ऐसा सयाह जिसने अपनी जिंदगी का बेशतर हिस्सा आवारा गर्दी की नजर किया। कारवां सराय की हर किस्त में जुदा मौजू होगा, बातें वो जो अनकही रह गईं, अनसुनी रह गईं, ऐसे मुनफरिद वाकयात और किरदार जिन पर महीनों बरसों की गर्द पड़ गई, सोशल मीडिया की जलगार में वो बातें और वाकयात जो हमारे इल्म में नहीं आ सके, अगर किसी के इल्म में आए तो फरामोश कर दिए गए, फरामोश किए नहीं जाने चाहिए थे। कारवां सराय असल में एक दस्तावेज है, हमारे आने वाली नस्लों के लिए एक बड़ा इल्मी असासा है। कारवां सराय में बैठा दास्तान गो हमें दावत दे रहा है कि हमें अपनी 75 साल तारीख को किसी और जाविये से भी देखने की जरूरत है। मुस्तनसर हुसैन ताड़ का नाम बाद में उनके मामू ने मुस्तनसर रखा। क्या आप जानते हैं कि उनकी दादी ने इनका नाम क्या रखा था? जवाब जानिए ब्रेक के बाद। मुस्तनसर हुसैन ताड़ का नाम उनकी दादी ने लाल दीन तजवीज किया था, लेकिन उनके अकलौते मामू जो अब्बासी खुलफा से मुतासिर थे, उन्होंने उनका नाम मुस्तनसर रखा। एक्सप्रेस न्यूज के मॉर्निंग शो एक्सप्रेसो में आज से 2.5 बरस पेशतर एक सिलसिला शुरू किया गया जिसका नाम है निकले तेरी तलाश में। इस सिलसिले में ताड़ साहब से उनकी किताबों पर बात होती है। यूं इस सिलसिले की हदूद मुतय्यन है, यानी बातें किताबों पर होंगी और किताबों के अंदर किरदारों वाकयात पर होंगी, लेकिन इन हदूद से निकलना भी जरूरी था। ताड़ साहब ने बहुत सी बातें किताबों में नहीं की, उनका मुशाहिदा वसी है और तजर्बा कमाल। इस तिश्नगी को दूर करने के लिए एक नए खद्दोखाल के साथ किसी प्रोग्राम का आना जरूरी था। एक्सप्रेस न्यूज पर एक नए प्रोग्राम का सिलसिला शुरू होने को है। प्रोग्राम का नाम है कारवां सराय, जिसके मेजबान मुस्तनसर हुसैन तारण हैं। कारवां सराय में आज की शब गुजारने वाले तमाम मुसाफिरों को मैं खुश आमदीद कहता हूँ। आप जाहिर है अपनी अपनी सवारियों पे आए होंगे, कोई ऊंट पे आया होगा, कोई बैलगाड़ी में आया होगा, कोई घोड़े पर सवार, कोई खच्चर पर, कोई गधे पर, कोई पैदल ही। मैं सबको खुश आमदीद कहता हूँ, लेकिन आज हम अपनी सवारी की बात करें। आज हम सवारी की बात करेंगे ट्रेन की, रेलगाड़ी, जिसको आप रेलगड्डी भी कहते हैं, और ये वही गड्डी है जिसके बारे में कहा गया, गड्डी आ गई स्टेशन से, पर हटवे बाबू सानू माइया वेखन दे। आप जानते हैं ये माइया कौन थे? ये सबिया खानम के वालिद थे, मोहम्मद अली माइया, और बालो उनकी वालदा थी। और माइये के जो सिंफ है, कहा जाता है कि इन दोनों ने इसका आगाज किया था। मुस्तनसर हुसैन तारण तकरीबन रवा सदी बाद बाकायदा अपना प्रोग्राम कर रहे हैं। मुस्तनसर हुसैन तारण खुद इस प्रोग्राम के बारे में क्या कहते हैं? मैं एक अरसे के बाद, बहुत मुद्दत के बाद, मुझे ख्वाहिश भी नहीं थी, कोई तमन्ना भी नहीं थी, क्योंकि इस उम्र में आके ख्वाहिशें तमाम हो जाती हैं, वक्त नहीं होता इतना। लेकिन मुझे अल्लाह ताला ने इतना बख्शा है, मुझ पर इतना करम किया है कि मेरी कोई तमन्ना बाकी नहीं रही। बल्कि जब मैं हज पे गया तो मुझे समझ नहीं आती थी कि अल्लाह ताला से क्या मांगूँ, उसने सब कुछ तो दे दिया। तो इसी तरह मीडिया 50-60 साल किया, तो कोई ऐसी तमन्ना नहीं थी कि मीडिया पे मैं दोबारा आऊँ।
और दूसरा ये था कि जिस किस्म के वहाँ पे शोज हो रहे थे वो मेरे बस की बात नहीं थी। लेकिन जो माइल किया मुझे वो वजी साहब आए एक्सप्रेस के, वो तशरीफ़ लाए और वो बैठे मेरे पास, वो मेरे पढ़ने वाले हैं। तो उन्होंने एक बात मुझसे की कि जिस तरह आप इस तरह बातें कर रहे हैं, आप हमारे टेलीविजन चैनल के लिए इसी तरह आध पौन घंटा बात कर दें। तो वो साल के बाद ऐसे ही मैंने सोचा कि हाँ, बहुत सारी बातें होती हैं जो अनकही रह जाती हैं, बहुत सारी खिड़कियाँ होती हैं जो सब खोल लेते हैं लेकिन एक आध खिड़की बंद रहती है। तमाम दर खुल जाते हैं मुख्तलिफ चीज़ों के, दुख के, सुख के, मोहब्बत के, लेकिन कोई एक दर जो होता है वो बंद होता है। तो चलें, इस बहाने मैं वो आखिरी दर खोलता हूँ, आखिरी खिड़की खोलता हूँ। और वो आखिरी तो मैं नहीं कहूँगा, अल्लाह ताला की मर्ज़ी है कि जब भी वो कहते हैं कि सांस नकारा कूच का बाजत है दिन रैन, तो नकारा कूच का तो बजता है लेकिन कब तक बजता रहता है ये उसकी मर्ज़ी है। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ एक्सप्रेस वालों का, क्योंकि ये प्रोग्राम ना मैं इसको कह सकता हूँ कि ये शो है, ना एंटरटेनमेंट है, ना इसमें कॉमेडियन है, ना कोई इम्पोर्टेंट बंदे हैं, ना कोई गाने वाले हैं, ना कोई सियासतदान है। इसमें सिर्फ मैं होऊंगा और मेरी यादें होंगी। और मैं ये भी नहीं कहूंगा कि मुझे उम्मीद है कि आप पसंद करेंगे, मुझे मालूम है कि आप उसे पसंद करेंगे। शुक्रिया। मुस्तनसर हुसैन तारड़ के नाम की वजह से कारवां सराय को आने और होने से पहले ही मकबूलियत मिल गई। ज़हनी दबाव के इस दौर में ये किस कदर खुशाइन बात है कि इल्म की बात हो, अदब की बात हो, मोहब्बत की बात हो, सच की बात हो, आगे बढ़ने के इम्कानात पर बात हो। एक्सप्रेस न्यूज के प्रोग्राम कारवांसराय के हवाले से आम खास ने खुशी का इजहार किया। मुस्तनसर भाई का प्रोग्राम एक्सप्रेस पर आने वाला है, खुशबख्ती है हमारी कि हम वो देख पाएंगे इंशाल्लाह, और बहुत इंतजार रहेगा। मुस्तनसर भाई ने तो आज तक जो भी काम किया माशाल्लाह लाजवाब किया। उनका एक सीरियल मैंने किया था, सबसे पहला उन्होंने लिखा था, चानन ते दरिया पंजाबी सीरियल था, और आज तक पाकिस्तान टेलीविज़न पर ऐसा पंजाबी सीरियल, बल्कि ऐसा खूबसूरत पंजाबी सीरियल नहीं बन सका। तो जो काम भी इन्होंने आज तक किया लाजवाब किया, यकीनन ये प्रोग्राम बहुत अच्छा होगा और हम डेस्परेट हैं देखने के लिए। मुस्तनसर हुसैन तारड़ एक ज़बरदस्त शख्सियत, अपने जितने भी इन्होंने सफ़र किए, इनके सफ़रनामे बहुत ज़बरदस्त। सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह हमारे मुल्क का एसेट है और हमारे पास बदकिस्मती से बैकअप नहीं है इनका। ये एक लेजेंड है और सबसे जो इनकी खसूसियत है कि ये हमेशा सच बोलते हैं और अल्लाह ताला ने सच की जीत रखी है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे मुस्तनसर साहब, हम आपके शागिर्दों में से हैं, आप हमारे उस्ताद हैं, असातिज़ा हैं। जहाँ एक मुसाफिर नगरे नगरे दिल का हाल सुनाए, कारवां सराए, कारवां सराए, कारवां सराए, मकबूल आम नावल प्यार का पहला शहर के 80 के करीब एडिशंस आ चुके हैं। क्या आप जानते हैं कि ये नावल कितने दिनों में लिखा गया? जवाब जानिए ब्रेक के बाद। मकबूल आम नावल प्यार का पहला शहर के 80 के करीब एडिशंस आ चुके हैं। क्या आप जानते हैं कि ये नावल कितने दिनों में लिखा गया? प्यार का पहला शहर सिर्फ 12 दिनों में लिखा गया। मैं हूं अहसान खाबर और मैं मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं, क्योंकि वो अपने नए प्रोग्राम का आगाज कर रहे हैं। मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब पाकिस्तान शोबिज का एक बहुत बड़ा बावकार और पुरवकार नाम है, एक अदीब, एक शायर, एक दानिश्वर, एक सहाफ़ी, एक कॉलमिस्ट, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से डिलीवर किया है। अब एक तवील अरसे के बाद यानी PTV के बाद ये एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए अपना एक नया प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, इसका नाम है कारवां सराय। इसे ज़रूर देखिएगा,
ये अपनी जिंदगी भर की यादें आपके साथ शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका अपना अनवर रफी। हमारे पाकिस्तान के सीनियर एंकर जनाब मुस्तनसर हुसैन तारिक साहब पीटीवी के प्रोग्राम के बाद काफ़ी मदद बाद अब दोबारा एक्सप्रेस न्यूज चैनल में जलवागर हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सना हुमायूं और एक्सप्रेस न्यूज पर आने वाला प्रोग्राम कारवान सराय नई नस्ल के लिए एक यूनिवर्सिटी का दर्जा रखेगा। नाम ही काफी है, मेरे कहने या ना कहने से फर्क नहीं पड़ेगा। यकीनन उनका नया प्रोग्राम एक्सप्रेस न्यूज पे कारवान सराय आप सब लोग देख रहे होंगे, मैं भी यकीनन देख रहा हूँ, इसलिए मुझे और कुछ कहने की जरूरत नहीं। कारवान सराय एक्सप्रेस न्यूज पर आने वाले प्रोग्राम का नाम है। ये मनाजिर पर तबसरे हैं, नाजर मुस्तनसर हुसैन तार हैं। एक्सप्रेस न्यूज पर आने वाला प्रोग्राम कारवां सराय एक दास्तानों का पेंडोरा बॉक्स है जो के खुलने जा रहा है और अनगिनत दास्तानों और सफरनामों के खालिक और कहीं अनकहीं दास्तानों के दास्तान गो मुस्तनसर हुसैन तार साहब की एक तो सेहत के लिए बेशुमार ढेरों दुआएं और दूसरा उनको इस प्रोग्राम के लिए भी मेरी तरफ से बेस्ट विशेस। सवाल पैदा होता है कि आखिर हर कोई अपनी शनाख्त से बाला होकर तार साहब को क्यों सुनना चाहता है। शायद इसका जवाब तार साहब अपने एक इंटरव्यू में दे चुके हैं। मुस्तनसर हुसैन तारड़ कहते हैं, दुनिया को देखने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि मेरा सच ही सच है, अलबत्ता ये हर्फ आखिर नहीं, दुनिया में और भी सच है। मेरी सकाफत और मेरे अकीदे के अलावा भी सकाफतें और अकीदे मोहतरम हैं। ये सच्चाई हाथ आ जाए तो तंग नजरी आपके अंदर से खत्म हो जाती है। अब जो मैं 80 की दिहाई की उम्र में अपने कारी का महबूब बना बैठा हूं तो इसकी वजह दूसरों को और उनके सच को तस्लीम करना ही है। मुझे मलामती सूफी बनाने और साबित करने की बहुत सी कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। ये एक दिलचस्प दास्तान है। फिर कभी सही, मैं इल्म वाला न सही मगर जाहिल बनना मुझे पसंद नहीं। मुझ में अकीदत की कमी है इसलिए सूफी बनना भी मुझे पसंद नहीं। मैंने पूछा, मैंने कहा कि आपको लाहौर में कोई दिलचस्पी नहीं? कहने लगे नहीं, लाहौर ने मेरे साथ बड़ा बुरा किया और मैं जान गया कि उनके साथ क्या बीती। लेकिन जब मैं उठने वाला हूँ तो मुझे कहने लगे कि निस्वत रोड का चौक है, वहाँ पे एक बरगद का दरख्त हुआ करता था, क्या वो अब भी है? मैंने कहा जी बिल्कुल, उसके पास हमारी दुकान है तो मैं कभी कभार वहाँ से बस लेता हूँ, बरगद है, घोड़ों की एक नान भी थी जहाँ घोड़े पानी पीते थे। मैंने कहा हाँ है। कहने लगे मैं वहीं रहता था। फिर कहने लगे आप आए थे तो उस बरगद का एक पत्ता ही ले आते और उसके बाद ज़ारों का तार रोना शुरू कर। अच्छा, ये जो जुदाई की कसरत है ना, ये इसका कोई अपार नहीं है। बहुत सारे जुल्म हुए, उधर भी हुए इधर भी हुए। सिख बच्चे थे तो वो देखने के लिए आए, फिल्म देखने के लिए लाहौर आए। अनफॉर्चुनेटली वो ट्रेन आहिस्ता ना हुई, एंट्री से पहले वो उतर ना सके, प्लेटफार्म पे उतरना पड़ा। वहाँ पे चेकिंग हो रही थी लेकिन रश था, चुनाचे ज़्यादातर वो जो दोस्त थे वो तो निकल गए। उनमें एक झेबू सा सरदार था, वो झिझकता रहा। फाइनली जब वो निकलने लगा तो टिकट चेकर ने उसे पकड़ लिया। अब उस वक्त सूरत हाल ये थी कि उसके दोस्त जो थे वो स्टेशन पार करके दूर एक टांगों का अड्डा होता था, वहाँ पे किसी टांगे को हायर कर रहे थे। तो इस सरदार ने वहाँ से उन्हें आवाज़ दी कि ओ वापस आ जाओ, हम सब पकड़े गए, वो वापस आ जाओ, उसी सारे ही फड़े गए। चुनाचे ये अब लतीफ़े के तौर पे मशहूर है लेकिन ये हकीकत है। अब्दुल्ला हुसैन ने कहा था कि मुस्तनसर हुसैन तारड़ इस धरती के बायोग्राफर हैं। मुस्तनसर हुसैन तारड़ की जाती वाबस्तगियां और दोस्तियां थर के सहरा से शुमाल की बुलंदियों तक फैली हुई हैं। लेकिन इनकी दोस्तियां आम अफराद से हैं, आम अफराद इनके लिए खास हैं।
क्या आप जानते हैं कि दहाइयों पर मबनी उनके ट्रैक्स और मुहिमात में उनके साथी आम अफराद ही रहे हैं, इन्हीं की मोहब्बत से वो लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। किस किस के साथ गाया उसने? तमाम अमीर भाई कर्नाटकी, खुर्शीद, लता जी, मतलब यू नेम इट, गीता दास। मैंने कहा किन किन मौसीकारों के साथ काम किया, वो भी एक लंबी लिस्ट थी। अनिल विश्वास, विश्वास और उसके बाद जितने भी बर्मन वगैरह हैं, जितने नाम, नौशाद साहब के नाम लिए। तो मैंने कहा कि आपका कोई गाना हिट हुआ? कहने लगे जी एक गाना था और उसके बोल थे बदरिया बरस गई उस पार। फौजी नजर जब मैंने ये सुना है, मैंने कहा आपने गाया? उनके जी मेरे साथ खुर्शीद थी घटागन गोर गोर वाली और मुकेश थे, लेकिन मेन मैन थी गाने वाली। मैं एक सन्नाटे में आ गया। मॉडलडोम पार्क लाहौर में एक जगह है जिसे तकिया तारड़ कहा जाता है। दूसरे शहरों से जो लोग लाहौर आते हैं उनकी फहरिस्त में मॉडलडोम पार्क में जाना शामिल होता है कि मुस्तनसर हुसैन तारड़ से मुलाकात हो जाएगी। कारवां सराय तकिया तारड़ ही तो है, तकिया तारड़ कारवां सराय ही तो है। शायर हासिल गुफ्तगु करेंगे तो अब्दुल्ला साहब को पता पंजाबी ठेठ कंदा। लो जी जनाबे अली, मुझे ये तो नहीं पता कि शहर हासिल कहते किसको है, पर मैं जो भी गुफ्तगु करूंगा आप उसको शहर हासिल ही समझना। तो जो भी तासीस वगैरह मेरी तरफ से ठीक है। तकिया तारड़ जो है ये बारगाह मोहब्बत है और मैं यहाँ की खाक अपने दुपट्टे में, अपनी चुन्नी में लेके जाती हूँ। और मॉर्निंग वॉक मैं तो सिर्फ सर को यहाँ पे देखने के लिए आती हूँ। मेरे लिटरेचर में अगर कोई कुव्वत है किसी हद तक, तो उसका शायद बुनियादी सबब यह है कि मैंने खलके खुदा से कभी नाता नहीं तोड़ा। मैं अपनी स्टडी में बैठकर, अपनी शो कॉल्ड अजमत के मीनार पर बैठकर इतराता नहीं हूँ। मैं लोगों से मिलता हूँ और मुझे लोगों से मिलना अच्छा लगता है। मैंने जितने नावल लिखे हैं इसी ऑब्जर्वेशन के तहत लिखे हैं, क्योंकि मैं अवामन नास जो हैं उनको डीपली, मैं उनका हिस्सा रहता हूँ थ्रू आउट। और अब भी 83 जो उम्र है उसमें भी मैं, मेरी वाहिद जो है एक्टिविटी एक्टिव वो रोज़ाना मैं शहर के लिए आता हूँ और मेरी बेगम भी आती, और उसके बाद ये एक दरख्त है और मौलसरी का दरख्त है, ये बहुत कम लोगों को पता चला। तो छाँव बहुत घनी होती है, तो यहाँ बैठना शुरू किया, यहाँ दोस्त चार आ गए और यहाँ पे बाकायदा इन्होंने ही ऐलान किया कि ये तकिया है और मुझे ऐसे ही उन्होंने मतलब है कि, तो उसका नाम तकिया ताड़ रखा। और अब जाहिर है कि यहाँ पे रोज़ाना दोस्त आते हैं और मुझे फ़ायदा ये है कि जिन लोगों ने मुझे मिलना होता है, मैं बुनियादी तौर पे उम्र के सबब घर पे नहीं मिल सकता, तो यहाँ जिन्होंने मिलना होता है या इंटरव्यू करना होता है वो यहाँ तशरीफ़ ले आते हैं, या जिन्होंने किताबें साइन करवानी वो तशरीफ़ ले आते हैं। तकिया तारड़, तकिया तारड़, तारड़ साहब जैसा एक महान, कहते ना किसी गांव में किसी छोटी जगह पे कोई जहाज़ लैंड कर जाए, हेलीकॉप्टर उतर जाए तो लोग भागते हैं मिट्टी में कि जहाज़ को करीब से देखें। तो सच अ बिग राइटर, एक्टर, ट्रैवलर, नाउ यू कैन कॉल हिम फिलासफर, वो आके यहाँ बैठे और यहाँ पे रौनक ना हो, उनके गिर्द आए ना, उनके से कुछ सुने ना, उनकी बातें सुने, उनके साथ हों, उनके साथ कुर्ब का वास्ता दे के, हवाला दे के लोग अपनी अपनी उस पर भी अपना सर भी बड़ा करते हैं, कद भी बड़ा करते हैं। इट्स अ ग्रेट प्लेस एंड इज़ अ वेल अकोमोडेटिव टू लॉट ऑफ पीपल, जो जानते हैं, जो समझते हैं, जो पढ़ने लिखने का शौक रखते हैं। किताब हमारे लिए तो दलील ज़िंदगी है, जिस्त की सबसे खूबसूरत कहानी है किताब। तो जो खालिक की किताब है और जो इतनी जितने अल्लाह ताला ने मालिक लोहे कलम ने, मालिक हर्फ व नत्क ने इतनी मतलब बेतहाशा सलाहियतों से और नवाज़ा सर तारड़ को, और इतनी हुमा जहद शख्सियत हैं। आप उनके ड्रामे देख लें, सिर्फ वो एक कातिब नहीं है और वो एक
मतलब उर्दू अदब में उनसे बेहतर, उनसे बड़ा, उनसे ज़्यादा पढ़ने वाला आई डोंट थिंक सो कि कोई और राइटर ऐसा है, कोई तहकीककार ऐसा है। यहाँ पर आकर हम इस मशीनी दौर से हटकर यहाँ पर आके हमें मुख्तलिफ़ किस्म के नगमों की तारीख सुनने को मिलती है, मुख्तलिफ़ किस्म के हमें जो मनाजर हैं वो हमें सुनने को मिलते हैं, और ताड़ साहब का जो बयानिया है वो कमाल कर देता है, और हम ऐसी किसी भी सुबह के लिए यहाँ पर आने को एक हमारे लिए किस्म का एजाज़ है। और ये एक ऐसा इवेंट है या एक ऐसी प्लेस है कि जो मेरा ख्याल है कि हम अहले लाहौर के लिए हम खुशकिस्मत खुद को समझते हैं कि हमें ऐसी पर्सनैलिटी एक मुयसर है। डॉक्टर चौधरी मोहम्मद नसीम, पेशे के लिहाज से डेंटिस्ट हूँ, और मैं कोई 20 साल से तारर साहब के साथ सुबह वॉक पे आता हूँ, और अब तारर साहब की इतनी आदत हो गई है, और हम अल्लाह का इतना शुक्र अदा करते हैं कि या अल्लाह ये एक बंदा हमें ऐसा मिल गया जिसके बगैर हमें लगता है कि सारा दिन हमारा नहीं गुजरेगा, और जिस दिन हम कभी इधर ना आए तो लगता है कि समथिंग इज मिसिंग। तारर साहब वो आंखें हैं जिनसे हमने पाकिस्तान को देखा है, उनकी किताबें पढ़कर ही हम सफ़र पर निकले हैं, और हम सब यहाँ पर तारर साहब को बताने के लिए आते हैं कि हम यहाँ पर हमने उनकी आंखों से देखने के बाद किस किस जगह को एक्सप्लोर किया है। मुझे ये लगता है कि मैंने जीना शुरू किया जब मैंने तारर साहब को पढ़ना शुरू किया। उससे पहले मैं ज़िंदगी के बहुत सारे पहलुओं, ख़ासतौर पर सफ़रनामे लिखने और बहुत सारे एक्सपीरियंसेस से महरूम थी। मुझे लगता है कि किताब आपकी रहबर है, किताब आपका मौलिम है, किताब किसी तरह सफ़र में किताब आपका हाथ पकड़ लेती है और आप दम बखुद उसके पीछे पीछे उसके साथ साथ चलते हैं। तो किताबों से मोहब्बत और का जो जुनून सर की वजह से हमें आया। पाकिस्तान खुशबू है, इसकी महक अदीबों, दानिश्वरों, साइंसदानों, खिलाड़ियों, फनकारों की देन है। इसकी महक में एक नुमायां और भीनी भीनी खुशबू मुस्तंसर हुसैन तारड़ की है। कारवां सराय एक्सप्रेस न्यूज का एक ऐसा प्रोग्राम है जिससे ये खुशबू और फैलेगी, मोहब्बत की सफेद रोशनी हर सिंत दिखाई देगी। इल्म, मोहब्बत, सच्चाई, इंसान दोस्ती जैसी कायनाती सच्चाइयां कारवां सराय में मिली हैं। आओ चले एक ऐसे देश में जहां हो सदाए अनसुने गीतों की, जहां नदियां दरिया झरने शोर मचाए, जहां एक मुसाफिर नगरी नगरी दिल का हाल सुनाए। कारवां सराए।